वैसे तो हम सोच रहे थे कि मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो शेक आज मैंगो लेके आए हैं तो मैंगो शेक पीएंगे। हाँ। सीजन का पहला मैंगो शेक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी हमें जाना है बल्लभगढ़, क्योंकि मम्मी हमें दिला रही है आज सूट। तो मम्मी हमें शॉपिंग कराने वाले थे, मैं और पूर्णिमा जाएंगे यहाँ से और मम्मी बल्लभगढ़ मिलेंगी हमें, वो क्योंकि वो आ रही है गाँव से, तो हम तीनों मार्केट में ही मिलेंगे। तो अभी हम फटाफट से निकल जाते क्योंकि काफी लेट हो गए, उन्होंने बोला था कि 10 बजे तक मिलना है और अभी हम थोड़ा सा लेट हो गए, तो अभी हम फटाफट से निकलते हैं और फिर देखते हैं कि हमें क्या कन्विंस मिल पाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, अभी घर में है कोई भी नहीं और मुझे पीनी है अब चाय, तो चाय नहीं, आज मैं सोच रहा हूँ कॉफी पीते हैं, तो कॉफी बनाते हैं और कॉफी पीते हैं। मंजू तो गई है मार्केट कुछ सामान के लिए और कॉफी का हमारे पास एक्चुअली गाइस हम ना इस तरह के वो रख लेते हैं क्योंकि कम पीते हैं ना सब यहाँ पर कॉफी, तो हम ये रख लेते हैं, जो जिसको पीनी होती है उस हिसाब से ले लेता है। हमारे घर में ना गाइस सभी जो है वो चाय ज्यादा पीते हैं, कॉफी वगैरह कम पीते हैं। मुझे कभी कभी मन करता है इसीलिए हमने कॉफी ज्यादा बड़ा पाउडर नहीं मंगा रखा, सैचेट्स मंगा रखे हैं। गाइस, किचन में तो ना काफी गर्मी रहती है, पता नहीं ये लोग कैसे काम कर लेते हैं, बहुत गर्मी रहती है किचन में, और किचन में ना ज्यादा पंखा वंखा का भी यूज नहीं कर सकते ना, वहीं प्रॉब्लम आती है। इसको तो पूरा डाल देते हैं, थोड़ी स्ट्रॉन्ग सी बनाते हैं आज ना। तो पूरे भर गए, क्या एक्यूरेट थी, एक कप कॉफी। अगर इनका पता होता है किस टाइम आएंगे तो इनके लिए भी बना देता ना कॉफी, तो मैं लोग पता ही नहीं किस टाइम आएंगे। कॉफी तो मस्त बनी है यार, वैसे भी अपने हाथ की चीज कौन खराब बोलता है। तो गाइज, अपनी तो चल रही है यहाँ पर एडिटिंग। मम्मी तो आई नहीं है क्योंकि मम्मी को कोई काम पड़ गया, तो अभी फिलहाल हम आए हैं मार्केट में, तो जो हमारे काम है फिर हम वही खत्म करके फिर घर चलते हैं। तो गाइस, अभी हम यहाँ पे गन्ने का जूस पीने लगे, हमें आते इतनी ज्यादा गर्मी लगने लगी और वैसे भी गन्ने का जूस हमारा फेवरेट है, तो वो तो पीना बनता ही है, तो अभी भैया बना रहे हैं बड़े गिलास। मजा और रिफ्रेशिंग, अच्छा बनाया भैया। तो अब हम निकल गए हैं और बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो गाइस, मैं तो घर आ गई हूँ और मैंने फटाफट से हाथ मुंह धो लिए क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी ना, बहुत ज्यादा, और ये तो लगे हुए एडिटिंग में। तो आपने क्या चाय कॉफी पी थी? कॉफी पी थी मैंने। हमारे लिए तो कभी नहीं बनाते। तुम ठीक हो? तो जब होते तो तभी कौन सा बना देते हो? तो गाइस, मेरा लंच आ गया है, खिचड़ी दाल लस्सी, असी तुसी ते लस्सी। गर्मी गर्मी पिया करें लस्सी और शरीर रहेगा मस्त, और हाँ सलाद भी है, खीरा खत्म हो गया वो ले आएंगे शाम को, बाकी यही सिंपल सा खाना है, मस्त रहता है, और इसको सर्व करने वाली है। थैंक यू फॉर दैट, मोस्ट वेलकम। तो गाइस, शाम का टाइम हो गया है और अब चलते हैं नीचे एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि काफी देर से बैठे बैठे एडिटिंग करते समय ना जो कमर है वो एकदम स्टिफ सी हो गई है, तो थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह करके आते हैं, उससे बॉडी जो है फ्लेक्सिबल रहेगी। बाकी कल भी हमने एक्सरसाइज की थी तो आज नहीं करेंगे तो बॉडी पेन होगा काफी ज्यादा, तो आज जाते हैं थोड़ी देरी सही, लेकिन थोड़ा डेली का ध्यान रखना जरूरी है। मैं तो रेडी हो गया हूँ और मंजू भी रेडी हो गई है, तो रेडी हो तुम भी? चले फिर। तो गाइस, हमने योगा मैट भी रख लिया है। वैसे तो हम सोच रहे थे कि मैंगो शेक बनाने के लिए। मैंगो शेक आज मैंगो लेके आए हैं, तो मैंगो शेक पियेंगे। हाँ। सीजन का पहला मैंगो शेक आज पियेंगे। हाँ। तो उसके लिए थोड़ी एक्सरसाइज ज्यादा कर लेते हैं। यहाँ पे आसपास ना खेत है गाइस, तो इस वजह से जो बर्ड्स होते हैं ना तो उनकी आवाज काफी अच्छी सुनाई देती है, क्लियर एकदम। I feel nauseous, believe me. अभी कोई नहीं आया नीचे ना एक्सरसाइज करने, ग्राउंड खाली है, अभी धूप है ना, जैसे जैसे थोड़ी शाम होगी ना तो आएगा। तो गाइस, उन्होंने स्टार्ट कर दिया रनिंग, तो अभी ये लेंगे राउंड। Never had a lot of shit come easy, had to work hard, struggle just to be me, had to rise up just so they could see me, did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming, but the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. तो गाइस, इन्होंने रनिंग तो कर ली है और अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम दूसरे तरीके की एक्सरसाइज। Take into your hands a plan, your own hands can... तो गाइस, अभी मेरी एक्सरसाइजेस तो हो चुकी है कुछ वार्म अप वाली, और ये भी लगे हुए हैं करने में,
फिर उसके बाद हम ये जो ओपन जिम वाली जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं इनमें से फिर कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हम करेंगे। गाइस ये वाले एक्सरसाइज करके ना मुझे बहुत मजा आता है क्योंकि इससे ना पैर इतने ज्यादा अच्छे स्ट्रेच होते हैं ना। देखो इनकी एक्सरसाइज चल रही है और मैंने अपनी काफी सारी एक्सरसाइज कर ली है तो इनकी थोड़ी रफ एंड टफ चल रही है। सबसे टफ एक्सरसाइज लगती है मुझे ये, घुटने तक लाना होता है ना। हाँ पर अभी आ नहीं पा रहा। कोई बात नहीं आ जाएगा। ये सारी पेट की एक्सरसाइज है ना तो इसलिए पेट तो दुखेगा कल। हाँ ये तो है पर ये है कि अभी थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी है, ज्यादा करेंगे तो भी दिक्कत है, कम करेंगे तो भी दिक्कत है। सबसे लास्ट में बेली फैट कम होता है ना। हाँ ये बात तो मैंने देखा है। तो गाइस ये होती है प्रैंक पोजीशन, 30 सेकंड इसे मिनिमम शुरू करना है, पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज है ये एक बार में। आपके 35 सेकंड हो चुके हैं। अभी तो इतना ही है। तो गाइज एक्सरसाइज हो गई है आज की, तो अब चलते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही हम करते रहेंगे, इससे थोड़ा रूटीन भी बना रहेगा और अच्छा भी लगेगा क्योंकि इन्हें भी वेट लूज करना है, मुझे भी लूज करना है, तो दोनों करते हैं। हमारा तो डबल है, 10 किलो कम से कम करना है। और सारा किया है मैंने आज ये मैंगो शेक के लालच में। इन्होंने कहा मैंगो शेक खिलाएंगे तो मैंने कहा यार थोड़ा सा ये तो है मैंगो शेक, तो देखो मैं बनाऊंगी। एक टेम्पटेशन आ गई थी अंदर। तो गाइस अभी हम चलते हैं ऊपर क्योंकि अभी बाकी के काम भी बचे हैं और अभी सबसे बड़ा किचन का काम भी बचा हुआ है। आज मैं कॉफी बना रहा था ना तो पसीने पसीने आ गए गर्मी में। हाँ वो ऐसा लगा एक्सरसाइज कर ली भाई, किचन में रहकर काम करना बहुत मुश्किल है। तो गाइस मैं तो नहा धो के फ्रेश हो गया, बहुत पसीने आ रहे थे, नहा कर थोड़ा ठीक लग रहा है। ये लो आपका मैंगो शेक। अरे मैंगो शेक इसके लिए तो मैं ज्यादा दौड़ लिया थोड़ा। हमने खा लिया है, मैंने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया है और ये लगे हुए हैं वीडियो को अपलोड करने के लिए। और मेरे रह रहे अभी थोड़े से बर्तन, तो मैं फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ फिर उसके बाद जाएंगे हम नीचे, फिर थोड़ी देर घूमेंगे। पता है क्या हुआ, जब हम लिफ्ट में जाते बल्लेगढ़ के लिए, लिफ्ट बंद हो गई एकदम से। अच्छा हाँ मतलब लाइट चली गई, लिफ्ट बंद हो गई, कॉलिंग बटन है यार, ये जब चलेगी नहीं तो फिर तब की कॉलिंग हो जाएगी कि इसमें से। हाँ कॉलिंग होगी ना इसमें से, स्पीकर जाता है इसीलिए तो होती है ये। नहीं घबराना नहीं चाहिए, होपलेस नहीं होना चाहिए। और दूसरा कॉलिंग वो एकदम से ऐसे मतलब दम से ऐसे आवाज हुई और मुझे लगा कि वो एकदम नीचे जाके एकदम रुकी है ना। हाँ, मतलब पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। तो बाकी लिफ्ट में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि वो जो भी नियरेस्ट फ्लोर होती है ना वहाँ पे जाके ओपन हो जाएगी, तो वो रुक गई थी फर्स्ट फ्लोर। हाँ गाइस वैसे होते तो हैं ऑप्शन सारे लिफ्ट में, लेकिन जो एकदम से एक बार बंद होने पे ना थोड़ा घबरा तो जाता है, तो अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। ठीक है नाइट में भी बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों में एनर्जी लेवल कमाल का होता है। गाइज घूमते घूमते थोड़ा थक गए हैं तो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं। और आज का दिन तो थोड़ा नॉर्मल सा ही रहा, आज मैंने सारे दिन एडिटिंग करी, शाम को जाके एक्सरसाइज करी, एक्सरसाइज में तो मज़ा आया काफ़ी। और ये शॉपिंग पर गए थे, शॉपिंग तो आज हो ही नहीं पाई, मम्मी आई नहीं, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया तो इनकी शॉपिंग फंस गई, हमारी शॉपिंग रह गई आज। तो गाइज एक वीडियो मैंने अपलोड पर लगा दिया है और वो सुबह आ जाएगा। और इस व्लॉग का तो यहीं पर करते हैं अभी एंड, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।